टोंक के देवली में विधायक हरीश चंद्र मीणा ने कोरोना को लेकर अधिकारियों की एक बैठक ली। इसमें विधायक ने लॉकडाउन के दौरान किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, साथ ही राहत कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। विधायक ने आइसोलेशन, क्वारंटाइन होम और इसमें भर्ती लोगों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा चिकित्सा विभाग से संसाधनों को लेकर भी चर्चा की। ये जो कोरोना की महामारी है, जो विश्वव्यापी है, इससे हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व से परेशान है, चिंतित है और पीड़ित है। इसके संबंध में मैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के पास आया देवली संभाग के और इनसे बातचीत करी, इनको क्या किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या दिक्कत महसूस हो रही है, ताकि हम सब मिलके जनप्रतिनिधि, सरकार, सरकारी कर्मचारी और जनता, हम सब मिलके इसका मुकाबला करें कि जो हमारे लोग हैं उनको आवश्यक राहत मिले और इसको इसका मुकाबला करने के लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता है हमारा ये प्रयास रहेगा, किसी भी संसाधन की कमी नहीं रहे। इस बारे में मीटिंग ली थी और हमें बड़ा खुशी का विषय है यहाँ कि यहाँ की जो स्थिति है बिल्कुल काबू में है। कोई भी ऐसा केस नज़र नहीं आया कि कोई किसी आदमी को राशन नहीं मिला, किसी को इलाज नहीं मिला, किसी को किसी चीज़ की कमी मिली।